नहीं है बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है लिखा है दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट तो कॉन्करेंट का होता है जब कोबेंट ऑफ एक्स कोबसेंट ऑफ वाई और कॉन्स्टेंट टर्म ये वाला डिटरमिनेंट जीरो इसको ओपन कर दीजिए तो थ्री बी सी माइनस फर्स्ट कॉलम के अबाउट हम ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा थ्री बी सी माइनस फोर बी सी दैट इज माइनस बी सी प्लस टू ए सी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो सी आ रहा है बी इन टू ए प्लस सी तो बी आ रहा है टू ए सी अपॉन ए प्लस सी डेट इज ए बी सी आर इन एच पी दूसरा वाला देखें इसमें स्लोप बराबर कर दो पॉइंट्स को लेने तो टू बी माइनस थ्री ए अपॉन थ्री बी माइनस टू ए इज इक्वल टू सी माइनस टू बी अपॉन सी माइनस थ्री बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले में लाइन पासिंग थ्रू सेम पॉइंट तो बस इसमें जो डिटर्मेंट वाला मेथड है इस मेथड मेथड से सॉल्व करो एक्सपेंड करो आंसर आ जाएगा सेम चीज़ है डी ऑप्शन में पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ऑल थ्री लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट वाला लाइन कौन है तो आ जाएगा वन जीरो वन सी सी बी दिस का डिटर्मेंट इज इक्वल टू जीरो ठीक है बाकी आपका आंसर आ ही जाएगा एक्सपेंड करोगे तो देखोड़ा क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में देखिए तो एक्स की पावर क्या है यह है एक्स इंटू रूट एक्स और यह है एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटू एक्स दैट इज एक्स की पावर थ्री बाई टू एक्स है तो एक्स रूट एक्स आ गया थ्री एक्स बाई टू रूट एक्स होगा थ्री बाई टू तो एक्स आ जाएगा नाइन बाय फोर बी देखिए तो बी में साइन रूल लगाए गए तो ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी दिस इज इक्वल टू टू आर तो यहाँ से साइन ए आएगा ए अपॉन टू आर साइन बी आएगा बी अपॉन टू आर और साइन सी आएगा सी अपॉन टू आर तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू आर तो ये हमको गिवेन पैरामीटर थर्टी टू है और ये है टू इन ट्वेंटी सिंप्लीफाई कर लेना आपका आंसर सी ऑप्शन ये तो ए जी पी है वन प्लस थ्री बाई फोर प्लस सेवन बाई सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन बाई सिक्सटी फोर एंड सो ऑन इसमें वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट करके लिख के सब टाइड कर दो तो थ्री बाई फोर ऐसा आ गया वन प्लस वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट एंड सो ऑन तो ये जी पी ए बन गई तो जीपी के सम वन अपॉन वन ए अभी ए अपॉन वन माइनस आर तो एस आ रहा है एट बाई थ्री ठीक है तो ये इससे आ रहा है क्यू ऑप्शन इससे आ रहा है एट बाई फाइव दैट इज एस ऑप्शन और एट बाई थ्री आ रहा है इससे आ रहा है पी ऑप्शन रिमेनिंग जो बचा है वो हो जाएगा पी क्यू एस हो गया आर जो ऑप्शन इसमें हो जाएगा इसको करना क्या है वो मैं बता देता हूं इसको ऐसे लिखो सिग्मा आर इक्वल टू वन टू इसको ऐसे लिख लो टू टाइम्स आर प्लस टू माइनस वन अपॉन आर आर प्लस वन आर प्लस टू r टू अपॉन आर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर आर प्लस वन आर प्लस टू इसको फर्दर अलग अलग सेपरेट कर सकते हो तो हो जाएगा वन अपॉन आर वन अपॉन आर प्लस वन हो जाएगा आर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू ठीक है तो ये एक टेलीस्कोप सीरीज बन जाएगी ये टेलीस्कोप सीरीज बनाएगी, अलग अलग सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा